इंग्लिश में इन्हें कैसे कहें, जैसे अब सोते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, अब खाते ही रहोगे क्या, अब नाचते ही रहोगे क्या, एंड मोर। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। रूल, सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ विल यू कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओनली। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब सोते ही रहोगे क्या, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब रोते ही रहोगे क्या, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब पढ़ते ही रहोगे क्या, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। फॉर प्रैक्टिस, अब खेलते ही रहोगे क्या, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।